अल्कोहल का नशा और उसके कारण मानसिक बीमारी या बेहोशी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ ये वीडियो के माध्यम से। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, बॉम्बे, यह हमारे हॉस्पिटल है। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा मिशन है। जो शराबी रहते हैं, मतलब शराब के आदि रहते हैं, वो शराब पीते पीते ऐसा हो जाता है कि उनको एक तो वो शराब पीना बंद कर डालते और फिर उनको विड्रॉल आता है शराब का, अल्कोहल विड्रॉल बोलते हैं, बंद कर डालते हैं क्या, या उनको शराब का डोज कम हो जाता है, जो लेते हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है और फिर उसके वजह से उसको विड्रॉल आता है। तभी मैं आपको जो पेशेंट बताने वाला हूँ, उनको क्या हो गया, उसको फिट आ गई, बेहोश हो गया। उसका कारण शराब था, वो ज़्यादा शराब पी लिया, उसका असर दिमाग के ऊपर होता है। फिट आने के बाद में उसका इलाज उन्होंने किया, रिलेटिव्स ने, तो वो समय में उसकी शराब बंद हो गई। जैसे ही शराब बंद हो गई तो वो एकदम बेहोश जैसा हो गया, उसको होश आवास नहीं है कुछ, कि कहाँ है कहाँ नहीं है, वायलेंट हो गया, हिंसा करने लगा, मारने लगा, गाली गलौज। फिर धीरे 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 उसका होश निकलने लगा। चार चार पाँच पाँच लोगों को तो वो मतलब कंट्रोल नहीं होता था। फिर हमारे यहाँ हमने उसको जब लाया तो पहले हमको बांधना पड़ा उसको, लिटरली इतना मतलब इतना अनकंट्रोल था वो, पाँच पाँच लोगों को वो कंट्रोल नहीं हो रहा। वो रिलेटिव बोल रहे थे इसको कैसा भी करके कंट्रोल करो भाई। तो पहले उसको कुछ इंजेक्शन देना है, उसके पहले हमको पहले देखना पड़ेगा, तपासना पड़ता है कि क्या हुआ क्या भाई इसको। तपासने के लिए भी हमको उसको पहले कंट्रोल करना पड़ता है, बांधना पड़ता है उसको। बांधने के बाद में फिर उसको तपास वगैरह किया। अभी देखिए मैं आपको वीडियो बताता हूँ, एकदम ही अच्छा हो गया। ज़रा देखिए इनसे हम बातचीत करते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट जो है वो शराब की नशा छोड़ने के लिए हमारे पास में आते रहते हैं। उसमें का ये एक पेशेंट है, क्या होता है कि शराब एकदम एकाएक लेना जब बंद करते हैं लोग, तो उनको होश नहीं होता, होश रहता नहीं, होश निकल जाता है। और फिर उनके घर के लोग उनको उठा के लाते हैं, होश नहीं है, उनको कानों में आवाज़ आना शुरू हो जाता है, कोई उनको दिखता है कि कुछ तो भी दिख रहा है सामने, उनसे वो बातें कर रहे हैं, कान में आवाज़ आ रही है कि उनको पकड़ो मारो, या फिर उनको फिट आती है, बेहोश आती, झटके आते, चक्कर आते, और फिर उनको हमारे यहाँ लाते हैं, फिर उनको हालत बहुत ही ख़राब रहती है। ये बीमारी को बोलते हैं डेलीरियम ट्रेमेंस, अल्कोहली डेलीरियम ट्रेमेंस, शराब की वजह से। तो आइए देखते हैं इनसे बात करके उनको क्या तकलीफ हुई। जरा हिंदी में आप बताएंगे आपका नाम क्या है? करे हाँ, मैं कारंजा लाट रहता, हाँ मैं डेली ड्रिंक करता, सवेरे भी शाम में भी ड्रिंक करते नहीं गया, किया ड्रिंक कभी किया नहीं, तो मैं सामने वाले से बराबर बात भी नहीं कर सकता। कभी ड्रिंक किया तो डेरिंग बात कर सकता, थोड़े कभी पानी पीने का भी रहा तो पूरे हाथ थर 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 करते, खाना भी नहीं जाता। तो आप जब यहाँ आए तो क्या था? अभी मैं यहाँ पर आया तो अभी मेरा थोड़ा संतुलन बहुत कम हो गया है, 90%, तो खाना भी बराबर जा रहा है। नहीं, जब आए तो आपको ख्याल है कैसे लाए, तो कैसे हालत में लाए? मेरे को यहाँ पर जैसा लाए वो मेरे को कुछ भी पता नहीं है। हाँ, बेहोश थे तब। मेरे को किसने लाया हाँ वो पता कुछ भी नहीं है। आपको ये याद है कि आपको बांध के रखा था, बहुत ही वायलेंट थे आप, वो भी पता नहीं है, मारपीट कर रहे थे, भागम भागी कर रहे थे, वो भी पता नहीं है, आपको चक्कर आके गिर गए थे, नहीं पता नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, वो भी पता नहीं है। तभी ठीक है? अभी ठीक है, 90% ठीक है। हाँ, अभी शराब के बारे में क्या है, अभी शराब छोड़ना है? अभी अभी शराब तो पूरी छोड़ने की है। हाँ, बहुत ही वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तभी इसके लिए दवाई आपको लेनी पड़ेगी, साल भर तक दवाई है। हाँ, जिससे शराब आप लेते हैं उसके ऊपर तो उसकी रिएक्शन आती है, वैसे दवाई आपको देंगे है ना, और वो दवाई देके फिर हम देखेंगे कि दवाई आप लेते रहेंगे तो आपको शराब लेंगे नहीं, क्योंकि आपको धौस रहेंगे ना, है ना, कि भाई दवाई लेंगे और दवाई के ऊपर शराब लेंगे तो रिएक्शन है, ठीक है ना? ओके, ठीक है, गुड। तो अभी जल्दी अच्छे हो जाओ और जल्दी आपका इलाज करो, ठीक है ना? ठीक है, कम से कम 1 साल दवाई लेनी है, और इसके बाद में अपने ग्रुप्स है, अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप करके है, तो वो अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप्स में आप मीटिंग में आने हैं,
मीटिंग में आके लोग अपना अपना शेयरिंग करते हैं, अपने अपने लाइफ के बारे में बोलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुप में, तो मीटिंग होती है उसमें भी आपने आना, ठीक है ना? इनका ये थैंक यू वेरी मच सर। तो ये हो गया अल्कोहल विड्रॉल का इलाज। इसका इलाज यदि बराबर किया तो सब लोग अच्छे हो जाते हैं, मगर तभी भी कुछ लोग, मतलब 100 में से 5% डेलीरियम ट्रेमेंस होता है, अल्कोहल विड्रॉल से डेलीरियम ट्रेमेंस जो आता है उसमें करीब करीब 5% लोग मर जाते हैं, मृत्यु होती है उनकी। तो ये बीमारी में उनका मतलब होश नहीं रहता, उनका खान पान बराबर रखना पड़ता है, IV फ्लूइड्स देना, सलाइन देना उसको, फिर दवाई देना जिससे उसको अच्छी नींद आ जाएंगी, और विटामिन देना जिसके वजह से, मतलब शराब की वजह से विटामिन कम हो जाते तो वो विटामिन देना, धीरे धीरे पेशेंट अच्छा हो जाता है। उसको बाद में उसको हम देते हैं दवाई डायसल्फिनाम नाम की, कि जो दवाई देने के बाद में वो यदि शराब पीता है, दवाई लेने के समय उस बाद में शराब पीता है तो उसको बहुत बड़ी रिएक्शन आ जाती है, तो उसको हम बताते हैं, उसकी कंसेंट लेते हैं और उसकी लिखित सम्मति लेने के बाद में ही उसको हम दवाई देते हैं। और वो गोली लेने के बाद में, रोज के 2 लेना पड़ता है गोली, और 2 गोली लेने के बाद में वो यदि शराब पीता है तो उसको रिएक्शन आती है। तो इसको हम कम से कम 1 साल तक ये दवाई लो, ये गोली लो, ऐसा हम बोलते रहते हैं। 1 साल एक बार निकल गया बिना शराब का तो फिर बहुत कम चांसेस रहते कि वो शराब फिर से पीना चालू करेगा। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आएंगे यदि आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।